हमारे कंपनी का न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी का हमारा ये ऑब्जेक्टिव था कि जो भ्रष्टाचार है उसको सोसाइटी का हर तरह से उसका उन्मूलन किया जाए। जो इंटीग्रिटी ए वे ऑफ लाइफ जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का इस बार जो थीम है उसको लोगों को तक पहुंचाया जाए, क्योंकि उसमें हमारे देश की तरक्की हो और जो है ना हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट आगे बढ़े और सोसाइटी की यानी हर तरफ से जो है ना जो भ्रष्टाचार है वो कम से कम हो और वो उन्मूलन हो। आज टुडे ओनली पीपल फ्रॉम मुंबई आवर हेड ऑफिस आवर रीजनल ऑफिसर्स ऑल आर पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस कैडर्स हूएवर इज देयर इन द ऑफिसर मैनेजर्स सब असिस्टेंट्स इन ऑल द वेरियस कैडर्स ऑल आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस प्रोग्राम। थैंक यू। हाँ, न्यू इंडिया हमेशा ही इस तरह के जागरूकता के कार्यक्रम चलाती रही है और यहाँ के कार्मिकों के लिए और सर्वजनों के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए, ग्राहकों के लिए, सबको सतर्कता उत्पन्न करने के लिए हमने ये कार्यक्रम चलाया है और इसमें करीब 300 लोगों ने करीब इसमें भाग लिया है। और इस चेन से निश्चित रूप से सभी के पास एक संदेश गया है कि न्यू इंडिया एक ऐसी कंपनी है जो चाहती है कि एंटी करप्शन ड्राइव हमेशा चलती रहे और हम सब लोग इस भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए जागरूक हों और अपने देश से, अपनी सोसाइटी से, अपने आप से इस करप्शन को ख़त्म कर। मैं वीरेंद्र कुमार लोढ़ा, क्षेत्रीय प्रबंधक हूँ न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी मुंबई में। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी देश की सबसे अग्रणी कंपनी है, इस नाते हमारी जिम्मेदारी है कि समाज में हम अच्छा मैसेज पहुंचाएं। और हमारा जो मुख्य सिद्धांत है अटमोस्ट गुड फेथ, सारे जो व्यवसाय किए जाते हैं वो गुड फेथ के सिद्धांत पे किए जाते हैं। तो चूंकि अटमोस्ट गुड फेथ हम अपने सारे स्टेक होल्डर्स के साथ करते हैं, तो हमारा आज ये मकसद था कि समाज के सारे क्षेत्र करप्शन पर काबू पाना, पूरा सामाजिक काम में सबको एक साथ आना पड़ेगा। हम लोग अपनी संस्था की तरफ से, न्यू इंडिया एश्योरेंस की तरफ से, मेरे तमाम साथी और हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं इस बात के प्रति अपना कमिटमेंट शो करने के लिए। क्योंकि जैसा कि आपने हमारी टी शर्ट्स में पढ़ा कि इंटीग्रिटी इज़ ए वे ऑफ लाइफ, तो हम लोग यही बताना चाह रहे हैं कि इंटीग्रिटी इज़ ए वे ऑफ लाइफ। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे सारे जितने सारे साथी हैं ऑफिस के, तमाम साथी, जिसकी शुरुआत रामकुमार हमारे DGM ने करी और हमारे सारे GM, हमारे GM और CVO श्री प्रधान यहाँ पर सब बैठे हुए हैं। और ये एक और मौका होता है एक टीम स्पिरिट क्रिएट करने का, जब एक टीम मिला करके हम लोग कोई कमिटमेंट करते हैं तो ज़्यादा सफल होता है। भारत की बहुत बड़ी साधारण बीमा कंपनी है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी। इस कंपनी ने ये मानव श्रृंखला आज के दिन खास तौर से इसलिए आयोजित की क्योंकि आज का दिन भारत सरकार के केंद्रीय सतर्कता आयोग के तत्वावधान में 7 दिनों तक चलने वाला सतर्कता सप्ताह होता है। उस सप्ताह के अंतर्गत आज का दिन, चूँकि उस सप्ताह के बीच में आता है, मध्य में आता है, इसलिए आज का दिन चुना गया। और एक दिन पहले कल लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती थी, तो जिसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। तो राष्ट्रीय एकता दिवस और भ्रष्टाचार मुक्त भारत, इन दोनों को साथ में जोड़ते हुए आज का दिन हमारी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी ने चुना। मुझे तो ये आश्चर्य होता है कि ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जूनियर से सीनियर जैसे कहा जाए तो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जो इनकी सोच है वो पूरे समाज में और पूरे देश में ये संदेश जाना चाहिए कि करप्शन मुक्त भारत जो अभियान इन्होंने छेड़ा है और आज का जो ये मैसेज दे रहे हैं, मैं तो अमरीश सिन्हा जी को धन्यवाद देता हूँ, साथ में प्रेस मीडिया को भी धन्यवाद आप लोगों को देता हूँ कि आप लोगों ने जो इतना अच्छा इवेंट कवर किया और लोगों तक, आप करोड़ों लोगों तक ये संदेश पहुँचाएंगे, इसलिए आप भी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और अमरीश सिन्हा जी का मैं धन्यवाद देता हूँ और हमारे शशि मैडम आपको जो पहले ही बता चुकी हैं। तो इस तरह से और भी आयोजन होते रहेंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ और पूरे टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ।